कानों को अच्छे लगने वाली ध्वनि को नाद कहा जाता है और नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अनाहत नाद पूरी सृष्टि में व्याप्त है, एक प्राकृतिक ध्वनि है और चेतना का प्रतीक है। आप लोग योग सीखते होंगे तो योगा में आपको कहा जाता है ध्यान कीजिए, लेकिन ध्यान किस चीज़ का? तो अगर आप अपने दोनों कानों में उंगली डाल दें और फिर ध्यान लगाएं तो आपको अंदर से एक प्रकार की गूंज सुनाई देती है, वही है अनाहत नाद। आहत नाद उसे कहते हैं जिसे हम अपने कानों से स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं, जो नाद किसी आघात या घर्षण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे तबला, तबले पर जब हम हाथों से प्रहार करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। वायलिन या सारंगी, हम जब उस पर गज से घर्षण करते हैं तब एक ध्वनि उत्पन्न होती है। मंदिर में टंगा हुआ घंटा, जब वह अपने दीवार से टकराता है तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। गले से निकलने वाली आवाज, हवा और अग्नि का जब परस्पर संयोग होता है तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार इस सृष्टि में व्याप्त वह ध्वनि जिसे हम अपने कानों से स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं उसे आहत नाद कहा जाता है। आहत नाद को हम मानव कंठ द्वारा या विभिन्न प्रकार के वाद्यों द्वारा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे वाद्यों को चार प्रकार में बांटा गया है या चार श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें पहली श्रेणी उन वाद्यों की है जो तंत्र वाद्य कहलाते हैं। इन्हें तत् भी कहा जाता है और इन्हें नखज भी कहा गया है, क्योंकि ऐसे वाद्यों को बजाने के लिए नाखून का भी प्रयोग किया जाता है। इन वाद्यों में वीणा, सितार, वायलिन और गिटार जैसे वाद्य आते हैं। जिन वाद्यों में ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए वायु या हवा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाद्यों में बांसुरी है, शहनाई है, जिनमें फूंक मार के वायु के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। हारमोनियम में हवा के प्रवेश से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, और आपने हारमोनियम जैसे आप बजाते हैं तो आप देखते होंगे कितनी मधुर ध्वनि उसमें से आती है। तो जो भी वाद्य जिनमें हवा या वायु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है ऐसे वाद्यों को सुषिर वाद्य कहा गया है या वायुज वाद्य कहा गया है। जब किसी लकड़ी या धातु के खोखले ढांचे पर चमड़े को मढ़कर हाथों से प्रहार कर कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ऐसे वाद्यों को अवनद वाद्य या चर्मज वाद्य कहा जाता है। तबला, ढोलक, मृदंगम, ढोल, नगाड़ा, खंजरी आदि इसी श्रेणी के वाद्य हैं। इन वाद्यों को ताल या लय वाद्य भी कहा जाता है। दो धातुओं को आपस में टकराने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मंजीरा, घंटा, झांझ, घुंघरू आदि। बहुत सारे वाद्य ऐसे हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि दो धातुओं को आपस में टकराया गया, तो ऐसे वाद्यों को घन वाद्य भी कहा जाता है और लौहज की संज्ञा भी दी गई है।
रजमे होरी रे रसिया हो आज बिरजमे होरी रे रसिया ओ होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया ओ होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया हो आज बिरजमे होरी रे रसिया हो आज बिरजमे होरी रे रसिया। संगीत हमारे जीवन से अत्यंत गहराई से जुड़ी हुई कला है, इसीलिए इस मानव शरीर को भी शारीरिक वीणा या गात्र वीणा कहकर संबोधित किया गया है। हमारे शरीर से भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे ये करतल ध्वनि। पैरों की आवाज़ का प्रयोग हम नृत्य में करते हैं और इसी तरह गले से हम गायन करते हैं। इस गायन की कला को शरीरज कहा गया है क्योंकि यह ध्वनि हमारे शरीर से निकलती है। ऐसी असंख्य ध्वनियाँ आहत और अनाहत नाद के रूप में हमारे सामने रही हैं। तो आहत नाद के असंख्य प्रकारों के बारे में हमने जाना। इन्हीं असंख्य ध्वनियों में से 22 ध्वनियों को विद्वानों ने श्रुतियों का नाम दिया और उन 22 श्रुतियों में से 7 स्वरों का चयन किया गया और यही 7 स्वर हमारे संगीत का प्रमुख आधार हैं।